प्रणव मुखर्जी को भारत रत्न दरअसल आरएसएस हेडक्वार्टर जाने का इनाम है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी को जब भारत रत्न दिए जाने की खबर मिली तो उन्होंने कहा था कि आई डोंट नो वेदर आई डिजर्व इट। शायद उन्हें भी नहीं मालूम था कि आखिर क्यों भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। भले ही वह खुद जानते हों या ना जानते हों, लेकिन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान ये अच्छी तरह जानते हैं। क्या फिर पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी जी को भारत रत्न क्यों दिया गया? नहीं, कोई राजनीति नहीं, उन्होंने आरएसएस के हेडक्वार्टर जाने की दावत कबूल की थी। अब बहरहाल आरएसएस को कुछ तो उसके बदले में देना था। बंगाल में काफ़ी पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं अमित शाह जी, तो इस कदम को क्या मानते हैं आपके उससे कोई कड़ी जुड़ी है? नहीं, पैर जरूर पसारें, लेकिन ये ख्याल रखें नीचे तेजाब ना हो।